अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, जैसे अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सामिन कमीशन के बारे में बताया, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो उसकी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशात थी उसके बारे में बताया, और अब जो है उसके जवाब में जो कायदे आज़म ने अपने मशहूर ज़माना 14 नुकात पेश किए, 14 पॉइंट्स पेश किए, वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सामिन कमीशन जो है जो अपने मुतालबात को लेके आया और उस मुतालबात को जो रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने बड़ी जो है मतलब ज़ोर और शोर के साथ उसको रिजेक्ट किया और उसके बिल्कुल मुखालिफत की, खुल के मुखालिफत की। और इसके बाद जो है मुस्लिम लीग का अगर हम रद्द अमल देखते हैं तो मुस्लिम लीग के जो है दो ग्रुप्स आपस में बट गए थे, एक सर शफी का ग्रुप था और एक मिस्टर जिन्ना का मुस्लिम लीग था, यानी मुस्लिम लीग के दो टुकड़े हो गए थे। सर शफी का ये कहना था कि सामिन कमीशन के अंदर जो सिफारिशात है उसको कबूल कर लिया जाए तो इसमें मुसलमानों का फ़ायदा है, जबकि मिस्टर जिन्ना जो है वो दूरअंदेशी से काम लेते हुए उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मुसलमानों के लिए बहुत सारे नुकसान भी हैं, लिहाजा सर सामिन कमीशन के मुकाबले में नेहरू रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात पेश की और नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों ने मतलब मुकम्मल तौर पे इसको मुस्तरद कर दिया और मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी फैल गई थी, एक सियासी तौर पे जो है मतलब आत्म तवाज़ुन का की तरफ चला गया था इंडिया और दो बड़ी पार्टियों के दरमियान मतलब बहुत ज़्यादा दूरियाँ हायल हो गई और ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि मुसलमानों के सारे हकूक सलब कर लिए नेहरू रिपोर्ट के अंदर। लिहाजा 31 दिसंबर को सर आ खान शुभम के सरबराही में एक ऑल मुस्लिम पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस ऑल मुस्लिम पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जितने भी मुसलमान सरबरा थे वो सब के सब शामिल थे, जिसमें मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और साथ साथ में अल्लामा इकबाल जैसी बड़ी शख्सियात उसमें मौजूद थी, और उनके बाहमी मशवरे से जो है मिस्टर जिन्ना ने बल आखिर मार्च में अपने ये 14 पॉइंट्स पेश किए, जिसका जो है खुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूँ और साथ साथ में मैं आपको हर पॉइंट के साथ साथ उसकी अहमियत भी बताता हूँ, क्योंकि आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि 14 नुकात की अहमियत बताइए। सबसे पहले तो जो है विफाकी तर्ज हुकूमत, नेहरू रिपोर्ट को बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में सिंगल पार्टी के बारे में कहा गया था वहदानी तर्ज हुकूमत, यानि पूरी हुकूमत जो है वो ख़ुद करना चाह रहे थे कांग्रेस, जबकि विफाकी तर्ज हुकूमत जो है इसमें मुसलमानों का भी हिस्सा होता और हिंदुओं का भी हिस्सा होता, तो लिहाजा विफाकी तर्ज हुकूमत की इन्होंने भरपूर तरीके से तायद की कि हिंदुस्तान में विफाकी तर्ज हुकूमत होनी चाहिए, मतलब वाज़े तौर पे कह दिया गया था। और मरकज़ी असेंबली में किसी तौर पर मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किसी तौर पे जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी एक तिहाई से कम ना हो, 1/3 से कम ना हो, मतलब 25 सीटें अगर 100 सीटें हैं उस 100 सीटों में से 25 सीटें मुसलमानों को मिलनी चाहिए और हर सूबे को जो है ख़ुद मुख्तार किया जाए, हर सूबा जो है वो ख़ुद मुख्तार हो, ऑटोनोमस पावर हो, हर प्रोविंशियल ऑटोनोमस पावर हो और रेजिडुअरी पावर जो है मतलब जितना भी है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का है वो बल आखिर सूबों को दे दिया जाए। इसी तरह जो है अकलियतों को मौसर तौर पर नुमाइंदगी दी जाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट हो, मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत हो, तो भी जो है ना उनको मौसर तौर पर नुमाइंदगी दी जाए। इसी तरह जो है अलहदा इंतखाबात का उसूल या जुदागाना इंतखाबात का उसूल जो है उसको राइज किया जाए और राइज होना चाहिए, मतलब इसमें मतलब इन्होंने ये कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रेट शैल बी इम्पोज, मतलब नाफिस किया जाए, यानी इसके अलावा और कोई उसूल ना हो।
پھر مسلم اکثریتی صوبوں کا تحفظ کیا جائے، وہ تحفظ کس طریقے سے کیا جائے؟ کیونکہ انڈیا کے اندر آئے دن جو ہے صوبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جیسا انہوں نے بنگال کو تقسیم کیا، جیسا انہوں نے پنجاب کو تقسیم کیا، اسی طرح جو ہے مطلب مسٹر جناح کا یہ مطالبہ تھا کہ صوبوں کی اگر تقسیم ہو تو مسلمان جہاں اکثریتی صوبے ہیں وہ اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ انڈیا میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچنز ہو، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کسی بھی مطلب جین مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جین مت کے ہوں یا بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کو مکمل طور پہ مذہبی آزادی ہو، یہ اپنے جو ہے اپنے ریچولس کو، اپنے رسم و رواج کو جو ہے وہ عام طور پہ کھلے طور پہ جو ہے اس کو منائیں، اور کوئی ان کو ان کے اوپر روک ٹوک نہ ہو۔ فرقوں سے متعلق قانون، اگر کسی فرقے کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے اور اس فرقے کے جو ہے 1/3 لوگوں نے اگر اس قانون کے خلاف اگر کوئی مخالفت کی، تو آپ کسی طور پہ اس کو قانون کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ یہ مسٹر جناح کا جو ہے 8واں پوائنٹ تھا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا، اور اس زمانے میں صوبہ سرحد کہا جاتا اس کو، آج ہم جو ہے اس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو صوبہ سرحد میں اور بلوچستان جو بہت ہی بیکورڈ قسم کے صوبے تھے، جہاں پہ تعلیمی سہولیات نہیں تھی، جہاں پر مطلب پراپر انفراسٹرکچر نہیں تھا، جہاں پہ صحت عامہ کا کوئی خیال نہیں تھا، مطلب ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے، تو وہ کہنے گئے ان کو آئینی اصطلاحات نافذ کیا جائے یہاں پر، یعنی یہاں پر آئین کے تحت جو ہے ان کو صوبوں کا درجہ دیا جائے، اور یہاں پہ جو ہے مطلب ان کو ساری سہولیات جو تمام صوبوں کو ملی وہ ان کو بھی ملے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ، چونکہ کانگریس جب بھی گورنمنٹ میں مطلب جب بھی جو ہے اس نے اپنا کوئی تجاویز پیش کی، اس میں مسلمانوں کے ملازمتوں کے حصے کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا، جیسا نہرو رپورٹ کے اندر آپ نے واضح طور پہ دیکھا۔ لیکن مسٹر جناح یہ چاہتے تھے کہ جہاں سرکاری ملازمتوں میں ہندوؤں کا حصہ ہے یا دوسری قوموں کا حصہ ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بھی ایک کوٹا دیا جائے۔ وزارتوں میں مسلمانوں کی شمولیت ہو، ہر قسم کی وزارتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہو، یہ نہیں کہ یہ وزارت مسلمانوں کو نہ ملے۔ تو یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ چاہے وہ صوبوں کی وزارتیں ہوں، چاہے وہ مرکزی وزارتیں ہوں، ان کے اندر مسلمانوں کا ایک حصہ ہو، اور کم از کم ایک تہائی حصہ وہاں پر ہو۔ اسی طرح سندھ کو غیر مشروط طور پہ علیحدہ کیا جائے، انکنڈیشنل سندھ شڈ بی سیپریٹ فرام بامبے پریزیڈنسی۔ بامبے جو ہے ایک پریزیڈنسی تھا، اس پریزیڈنسی کا ایک حصہ تھا سندھ، یعنی سندھ اور بامبے پورا ایک جگہ پہ ایک پریزیڈنسی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ مسٹر جناح کا شروع سے یہ مطالبہ تھا، دہلی تجاویز میں بھی انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا، پھر آل پارٹیز کانفرنس اس میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ پیش کیا، اور بالآخر جو ہے سندھ کی علیحدگی کا جو ہے انہوں نے مطلب زور و شور سے مطالبہ کیا۔ اس میں تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سندھ کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن یہاں انہوں نے یہ مطالبہ کیا سندھ کو غیر مشروط طور پہ، یعنی کوئی شرط اس کے اوپر لاگو نہ ہو، جو نہرو نے جو اپنے رپورٹ کے اندر جو شرائط پیش کیے تھے کہ جب تک سندھ جو ہے وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے اخراجات اٹھا سکے تو اس کو علیحدہ نہ کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں مسٹر جناح کا یہ کہنا تھا کہ ہر ممکنہ طور پہ اور کوئی شرط نہ ہو اس میں، بغیر کسی شرائط کے جو ہے آپ سندھ کو علیحدہ کر دیں بامبے سے، اور اس کے علاوہ آئین میں اگر ترمیم کرنا ہے، تمام صوبے جب تک متفق نہ ہو جائیں تو آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتے، یعنی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا کچھ چینجنگ لے کے آنا چاہتے ہیں، جب تک کہ تمام پروونسز جو ہے اس کے خلاف نہ ہو جائے اور متفق نہ ہو جائے، جب تک جو ہے نا آپ اس کو کوئی ایک صوبہ بھی اگر اس کے اختلاف ہو مطلب خلاف ہو، تو جو ہے آئین کے اندر چینجنگ نہ ہو، آئین اس طریقے سے بنایا جائے۔ مسٹر جناح کے جو ہے یہ مشہور زمانہ 14 نکات تھے جو انہوں نے پیش کیا۔ مسٹر جناح کے 14 نکات کو بعد میں مطلب ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا اہمیت تھی۔ تو مسٹر جناح کے 14 نکات، گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935 جب آیا برٹش کی طرف سے، تو 14 نکات کے اکثر کلاز اس میں شامل تھے، جیسا وفاقی طرز حکومت، جیسا فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ ہو گیا، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3، پھر اسی طرح جو ہے
प्रोविंशियल ऑटोनमस पावर जो है और रेजिटुअरी पावर गिवन टू द ऑल प्रोविंसेस, सूबाई खुद मुख्तारी जो है दे दी जाए अकलियतों की, मतलब 14 नुकात के अक्सर चीज़ों को मतलब उसमें से शामिल कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट के एक भी पॉइंट को जो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में शामिल ही नहीं किया। सबसे बड़ी अहमियत तो ये हो गई। फिर इसके बाद अगले 11 साल तक के, चूँकि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान के आज़ाद होने तक के नाफिज रहा, तो लिहाजा मिस्टर जिन्ना के 14 पॉइंट भी इसमें शामिल थे तो वो भी नाफिज रहे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, जब 14 अगस्त जो है 1947 को पाकिस्तान एक अलहदा रियासत के तौर पर सामने आया और हिंदुस्तान से अलहदा हो गया, तो दोनों सूबों को ये कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस का उनको खिताब दिया गया, उनसे कहा गया जब तक आप अपना आइन नहीं बनाते गवर्नमेंट एक्ट इंडिया 1935 जब तक के वो आपके मुल्क में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर या आइन के तौर पर राज रहेगा। लिहाजा दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ने जो है अपने आज़ादी के 9 साल बाद नया आइन लेके आया जिसको 1956 का आइन कहते हैं, और इसी तरह जो है 1950 में जो है जाके इंडिया अपना आइन लेके आया, मतलब अपना नया आइन उसने पेश किया। जब तक क्या राज था? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट चूँकि नाफिज रहा और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अंदर क्या क्या कायदे आज़म के 14 नुकात भी शामिल थे, तो इसका मतलब है 14 नुकात उस वक्त तक राइज रहे, नाफिज रहे। ये जो है ना मतलब इसकी अहमियत है। अगर आपसे अगर पेपरों में ये सवाल आता है कि कायद अजम के 14 नुकात की अहमियत बताएं, तो आप ये अपने सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि 11 साल तक के जो है मतलब इसकी अहमियत रही, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ना 1935 चूँकि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी और इंडिया के एक अलग रियासत बनने के बावजूद भी जो है चूँकि नाफिज रहा, तो जब तक वो नाफिज रहा तो उसी के अंदर जो है कायद अजम की ये 14 नुकात भी शामिल थे, एज़ इट इज़ उन लोगों ने शामिल कर लिए थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कायदे आज़म के 14 नुकात को एज़ इट इज़ शामिल किए थे, तो लिहाजा वो भी राइज रहा। तो आप इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि कायदे आज़म के 14 नुकात की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो ये इसकी अहमियत को आप लिख सकते हैं, अगर वो आपसे पेपरों में पूछा जाए कि कायदे आज़म के 14 नुकात की अहमियत बताएँ, तो आप ये सारी बातें इसमें ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप उनको कि कायदे आज़म के 14 नुकात इस बात का मतलब सबूत है कि मिस्टर जिन्ना की जो सोच थी वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सही लग रही थी नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिस्टर जिन्ना की ये 14 पॉइंट्स कितने ज़्यादा अहम थे। और अगर अपने आपने 5 ईयर्स को देखें तो उसमें ये सवाल जो है मतलब इस तरीके से भी आया है कि 14 पॉइंट्स पूरा लिखें, तो उसमें 14 अनुकात आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर आपसे वो कह दें कि भाई कोई से भी जो है 4 नुकात लिख लें, तो आप इसमें ज़रूर देखें कि इन तमाम पॉइंट्स में जो है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मतलब कम अल्फाज किन पॉइंट्स में हैं, आप उसको लिख दें, आप उसको याद करके उसको लिख दें। अगर आपके 4 पॉइंट बिल्कुल वैलिड होंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये मुख्तसर सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है, लिहाजा आप अपनी तैयारी जब करें तो उसमें कम अज़ कम 14 पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स तो आप बिल्कुल अच्छी तरह याद कर, क्योंकि अक्सर ये पेपरों के अंदर ये सवाल आ जाता है। इसी बात के साथ जो है मैं अपने इस लेक्चर का अख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा आपको ज़रूर जो है ये इस लेक्चर से आपको रहनुमाई मिली होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।